आप सभी का एक बार एपिसोड में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, एक ऐसी मूवी जिसके एक जो अजीबो गरीब कारनामे से पूरे नासा के जो वैज्ञानिक है और जो भी बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके रोंगटे खड़े के खड़े हो गए। तो इसके आखिर क्या खास है, इस मूवी में, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ये बात है मलेशिया की। वहां पर कुछ जमीन में कुछ खुदाई का काम चल रहा था, तभी वहां से एक ताबूत जैसा कुछ बक्सा निकला और अंदर से एक रहस्यमय मम्मी निकली और उसे रिसर्च सेंटर ले जाया गया। बट उसके बाद जो हुआ उन्हें चौंक जाएंगे जानने के बाद। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, यही जानना है तो वीडियो पर बने रहिए। तो होता कुछ ऐसा है कि वो जो मम्मी होती है उसके जो आँख जो होती है वो अभी भी वही सुरक्षित होती है, मतलब जो भी नॉर्मल इंसानों की होती है ठीक वैसे ही उसकी आँखें थी, और जो उसके दांत और जो नाखून है वो भी सही सलामत है। और इतना ही नहीं, वो जो मम्मी है वो कभी कभी सांस भी लेती है। जी हाँ, और अजीबो गरीब आवाज भी आती है कभी कभी उस मम्मी के आसपास से। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, साइंटिस्ट भी हैरान है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट सच्चाई यही है। और उसके बाद उस मम्मी के जो जूते हैं उन्हें देखने के बाद तो आप भी डरने लग जाओगे। जी हाँ, उसके जो जो जूते पहने थे वो आज के जो एडिडास कंपनी के जो जूते आते हैं वो, और इस मम्मी ने जो पहने थे उसकी जो डिजाइन होती है जो वो पूरी तरह से एकदम एक जैसे है, मतलब दोनों सेम ही थी। जो मम्मी ने जो जूते पहने थे वो और वो जो एडिडास जो भी आज की जो कंपनी है वो बनाते हैं। और बता दूं कि ये जो मम्मी जो मैंने अभी बताई वो 7,000 साल पुरानी थी। मतलब आप कैसे, मतलब मैं क्या कहूँ अभी इसके बारे में। जो भी कहना है आप कमेंट में बताना, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।